आपको एक कंप्यूटर मॉनिटर खरीदना है और समझ भी नहीं आ रहा है कौन सा खरीदे, तो ये वीडियो काफ़ी सही रहेगी। इसमें मैं आपको बहुत सारे मॉनिटर्स के ऑप्शन बता दूंगा जो कि मेरे टॉप पिक है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। आपका बजट चाहे जो भी हो, 10,000, 20,000, 30,000, इससे ऊपर वाले मॉनिटर्स को इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। 2023 के लिए ये लिस्ट जो है ज्यादातर यूजर्स के लिए सही रहने वाली है अगर आप एक मॉनिटर खरीदना चाहते हो। लेकिन इनकेस अगर आपको और भी इंटरेस्ट है, जानना है कि कौन कौन से मॉनिटर हैं जो मेरे टॉपिक रहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। मेरी वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और टाइप कर देना है टेक्सोनिकल, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। पहला रिजल्ट मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर मॉनिटर्स में जाके आप तरह तरह के अलग अलग ऑप्शंस देख सकते हो। पिछले साल भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इसी मॉनिटर्स वगैरह पे और इवन इस साल के शुरुआत में भी। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि सारे मॉनिटर्स का प्राइस थोड़ा घट गया है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपरली हो पा रही है। उधर पिछले 2 साल से कंप्यूटर मॉनिटर्स वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, इसी वजह से सारे मॉनिटर्स के प्राइस थोड़े महंगे चल रहे थे। इसकी वजह से ना जो 15,000 वाले मॉनिटर थे अब वो 10,000 के अंदर में मिल रहे। तो 10,000 रुपए के अंदर में जो सबसे बेस्ट मॉनिटर आज की डेट में रहेगा खरीदना, जो मेरे सामने है अभी, BenQ का GW2480, ये अभी भी खरीदना काफी सही है क्योंकि इसके कंपटीशन में और कोई भी मॉनिटर उतना अच्छा नहीं है। इसमें आपको इवन डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट वगैरह भी मिल जाता है। बहुत ही बेसिक सा IPS डिस्प्ले है और काफी अच्छा है। 24 इंच का ही आप खरीदना, 27 इंच वाला इसका मॉडल मत खरीदना क्योंकि उसमें आपको पिक्सेलेटेड टेक्स्ट दिखाई देंगे। ना सिर्फ इसके लिए, किसी भी मॉनिटर के लिए ये रूल अप्लाई होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत बार ये बात बोली है, 27 इंच फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर ये अच्छी बात नहीं होती है। इनके तरह वो गेमिंग कर रही है तो वहाँ पर सिनेरियो अलग हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल यूसेज वाले मॉनिटर्स की, जो आप ऑफिस वर्क वगैरह के लिए यूज़ करोगे, पढ़ाई करने के लिए यूज़ करोगे। कोई भी ऐसा गेमिंग मॉनिटर इसमें नहीं इंक्लूड है। गेमिंग मॉनिटर की मैं अलग वीडियो बना दूंगा। दूसरा मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी 10,000 के अंदर में आता है, सैमसंग की तरफ से। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें एक एडवांटेज है, 75 Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, जबकि BenQ में सिर्फ 60 Hz का ही रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। इस मॉनिटर में आपको जो पोर्ट मिलते हैं वो भी ठीक ठाक से हैं। यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले पोर्ट नहीं मिलता है, आपको सिर्फ एक PC इन मिलता है, HDMI इन मिलता है और एक DC पोर्ट मिलता है, दैट्स इट। जनरली ये जो वर्क पर्पज़ वाले मॉनिटर होते हैं उनका रिस्पांस टाइम आजकल 5 मिलीसेकंड ही होता है, तो इसमें भी 5 मिलीसेकंड है, BenQ में भी 5 मिलीसेकंड है। और एक फाइनल मॉनिटर 10,000 के अंदर में Lenovo का L सीरीज का, ये काफ़ी अच्छा एक मॉनिटर है स्पेसिफिकेशन वाइज। इसमें आपको 16 मिलियन कलर्स भी मिल जाते हैं, IPS डिस्प्ले है, इसमें आपको टिल्ट वगैरह का मैकेनिज्म भी मिल जाएगा। इसका डिज़ाइन दिखने में थोड़ा ज़्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि ये बहुत ही स्लिम डिज़ाइन के साथ में आता है, जबकि BenQ और सैमसंग वाले थोड़े मोटे से हैं। अब आप चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि मतलब आपको डिज़ाइन वाइज कौन सा अच्छा लगता है, ये भी ऑप्शन काफ़ी सही रहेगा चूज़ करना। 75 Hz का रिफ्रेश रेट है और 4 मिलीसेकंड का एक यहाँ पर रिस्पांस टाइम दिया गया है। AMD फ्रीसिंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। 10,000 के प्राइस सेगमेंट में यही 3 मॉनिटर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। मुझे नहीं लगता आपको इन 3 के अलावा और किसी को सोचना भी चाहिए। Lenovo वाला भी आप ऑलमोस्ट अवॉइड कर सकते हो, सैमसंग और BenQ ये मेरे टॉप पिक रहने वाले हैं। अब बात करते हैं 15,000 के सेगमेंट की, तो उसमें 11-12,000 के भी कुछ मॉनिटर मैं इंक्लूड कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला LG का 24ML600S, काफ़ी अच्छा सा ये एक मॉनिटर है। इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं और एक VGA पोर्ट भी मिलता है, हालांकि डिस्प्ले पोर्ट वगैरह यहाँ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप देख सकते हो 2 HDMI पोर्ट। अगर आपको ऐसे इस प्राइस सेगमेंट में जाना है तो मेक श्योर कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्ट्स मिल जाएं तो अच्छा रहता है, आप तमाम अलग अलग चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो। 75 Hz का रिफ्रेश रेट यहाँ भी मिलता है, AMD FreeSync की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ भी मिलती है। दिखने में ये मॉनिटर काफ़ी बेजललेस डिज़ाइन टाइप का है और मुझे पार्टिकुलरली ये मॉनिटर काफ़ी पसंद है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, फुल रेजोल्यूशन 27 इंच, मतलब मत खरीदना, पिक्सल्स बहुत ही घटिया दिखते हैं, टेक्स्ट विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। अगला मॉनिटर मैं आपको बताना चाहूँगा 15,000 के सेगमेंट में, HP का M24F, काफ़ी पुराना सा मॉडल है ये भी, लेकिन आज की डेट में भी सही है। ये बीच में इसका प्राइस ना ऐसे 17-18 हज़ार हो गया था, तब मैं इसे नहीं रिकमेंड करता था। रीज़न कि वो 17-18 हज़ार के लायक तो नहीं था, लेकिन अभी इसका प्राइस ड्रॉप होके अब सिर्फ 12,899 हो चुका है। इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सही रहेगा क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन सा HP की तरफ से ये डिज़ाइन मिल रहा है इस मॉनिटर में।
साथ में आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, वही एक VGA पोर्ट और एक HDMI पोर्ट। नंबर ऑफ पोर्ट्स की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, VGA पोर्ट आजकल कौन ही इस्तेमाल करता है, इसकी जगह पर एक और HDMI पोर्ट लगाया गया होता तो ज़्यादा सही होता। फिलहाल आप देख सकते हो मेरा टॉपिक फिर भी ये LG वाला रहेगा, इसमें दो HDMI पोर्ट जो मिल रहे हैं। और ये एक मॉनिटर काफ़ी सही है अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हों, मतलब 15,000 तक पूरा जा रहा है ना आपका बजट, तो ये वाला ख़रीदना। बहुत ही शानदार सा डेल का मॉनिटर है ये, और दिखने वगैरह में भी काफ़ी सही है। इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स में ना कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, यहाँ पर सारे पोर्ट्स मिलते हैं, एक टाइप सी को छोड़कर यहाँ पर बाकी सारे पोर्ट फैट गए। दो USB पोर्ट भी मिलते हैं आपको। नंबर ऑफ पोर्ट्स में अगर कोई कमी नहीं छोड़ी गई है तो वो एग्जैक्टली ये मॉनिटर है। इसमें बहुत सारे पोर्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए ये डेल का पर्टिकुलर मॉनिटर ना मुझे काफ़ी सही लगता है, और हमारे ऑफिसेज वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं, तो काफ़ी अच्छा सा ये मॉनिटर है, आप इसे कंसिडर कर सकते हो। डिस्प्ले वगैरह बहुत ही सही है, 24 इंच के साथ में आता है, प्लस इसमें आपको रिफ्रेश रेट जो है ना वो सिर्फ 60 हर्ट्ज़ का मिलेगा, 5 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलेगा। तो ये तीन मॉनिटर हो गए आपके जो फुल HD रेजोल्यूशन वाले 15,000 में। अब बात आती है कि 15,000 से 20,000 का सेगमेंट। 15,000 से 20,000 के सेगमेंट में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक 2K रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर ही खरीदो, ऐसे मत खरीदना कि फुल HD 27 इंच, ये प्राइस सेगमेंट में अभी उसे अवॉइड करो टोटली, क्योंकि आपको बेहतरीन मॉनिटर दूसरे मिल जाएंगे, आपको काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि ये वाला LG का ये वाला मॉनिटर बहुत ही सही लगता है मुझे, QHD रेजोल्यूशन के साथ में डेफिनेटली 2K आता है, और यहाँ पर 99% का sRGB भी है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर है 24QP550। काफ़ी अच्छा सा ये मॉनिटर है, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का भी फीचर मिल जाता है। उसके साथ इस मॉनिटर में ना मतलब दो HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट, बहुत ही सही नंबर ऑफ पोर्ट्स दिए गए हैं, मतलब कि आप एक साथ तीन अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। और इस मॉनिटर में आपको HDR10 वगैरह का भी सपोर्ट मिलता है। 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो थोड़ी बहुत अच्छी खासी गेमिंग भी कर पाओगे आप। लेकिन इस मॉनिटर को अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहोगे, बड़े ही शार्प से टेक्स्ट दिखाई देंगे। 24 इंच के साइज़ में ये 2K रेजोल्यूशन बड़े ही शार्प और क्लियर टेक्स्ट देगा, और आपको मिल रहा है ये सिर्फ 16,499 रुपए। अगला मॉनिटर में जो आपको बताना चाहूँगा, ये भी उसी का वेरिएंट है। यहाँ पर फ़र्क क्या है ना, मतलब आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, मैंने इसका कंपैरिजन करके देखा, एडिशनल पोर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, बाकी एग्जैक्टली सेम टू सेम है ये चीज़ जो दोनों ही मॉनिटर हैं, दोनों ही सेम सीरीज़ के हैं, QP750 और ये QP550। अगर आपको ऐसे टाइप सी पोर्ट वगैरह नहीं चाहिए होगा तो आप ये वाला ही ख़रीद लेना, आपको एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको नंबर ऑफ पोर्ट ज़्यादा चाहिए तो फिर आप 750 वाला ख़रीद लेना। अगला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी 20,000 के सेगमेंट में। अब LG बहुत सारे LG हो रहे हैं, रीज़न इज सिंपल कि LG की एक तो सर्विस भी काफ़ी सही है, और मुझे इनके पर्टिकुलर जो मॉनिटर है उनका डिज़ाइन बिल्ड और डिस्प्ले क्वालिटी ये काफ़ी सही लगता है। तो ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो बजट सेगमेंट है उसमें LG के मॉनिटर्स बहुत ही टॉप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक तरह से, तो ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ LG की तरफ से बायस्ड होके बोल रहा हूँ, मुझे लिटरली काफ़ी सही मॉनिटर्स दिखे हैं। बाकी आप ऐसे BenQ में भी जा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ना कि मतलब थोड़ा कम वैल्यू उसमें मिल रही है। LG का ये जो मॉनिटर है QN600 अभी मिल रहा है सिर्फ 21,000 रुपीज़ में, जो कि एक माइंड ब्लोइंग प्राइस है इस मॉनिटर के लिए। इसका डिज़ाइन बहुत ही सही है, और इसमें भी आपको वही 27 इंच का 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। 27 इंच का एक मॉनिटर ख़रीदना है आपको, 20,000 का बजट है, आँख बंद करके आप ये मॉनिटर एक चूज़ कर सकते हो। इसमें 99% का sRGB मिल जाएगा, HDR10 वगैरह का भी सपोर्ट दिया गया है, और 3 साइड से बेजललेस है। साथ में इस मॉनिटर में आपको एक डिस्प्ले पोर्ट और दो HDMI पोर्ट मिलता है, हेडफोन जैक वगैरह भी मिल जाता है एक साथ में, लेकिन उसे हम इतना ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी इसमें जो कलर कैलिब्रेशन वगैरह है वो भी प्रोवाइड किया गया, और AMD Radeon FreeSync 2 की टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई। अब बात करते हैं 30,000 के मॉनिटर की। यहाँ अभी लाइट चली गई, तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट करके ही अब रिकॉर्डिंग बंद करूँगा आपको। एनीवेज स्क्रीन पे ही मैं दिखा रहा हूँ, LG में 27 इंच का ये जो मॉनिटर है ना 4K रेजोल्यूशन के साथ में आता है, काफ़ी अच्छा सा एक ये मॉनिटर है। इसमें IPS डिस्प्ले लगा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पर हाइट पिवट टिल्ट ये सब कुछ का ऑप्शन है, एडजस्टेबल स्टैंड वगैरह भी मिलता है। 27UL550 इसके साथ में एक और मॉनिटर आता है जो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम टू सेम दिखता है LG की तरफ से ही है, वो
LG का 27UL500। तो ये बात आप ध्यान में रखना, ये जो 550 वाला है ना मॉडल, ये लेटेस्ट है, ये थोड़ा पुराना है। तो अब इन दोनों ही मॉडल में कुछ खास ऐसे फ़र्क नहीं है, सिर्फ मॉडल नंबर का फ़र्क है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग वाला हो सकती है अब बंद हो चुकी हो। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इन दोनों में अगर आपको चूज़ करना ही है तो आप डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी कोई भी चूज़ कर सकते हो। हल्का सा फ़र्क है इसके डिज़ाइन में, यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक फाइनल मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ BenQ की तरफ से 30,000 के प्राइस सेगमेंट में। मैं बीच के मॉनिटर से 25,000 वाले ना 4K के नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक फ़िलिप्स का मॉनिटर है जिसे मैंने पहले ही रिकमेंड किया था एक अपने पुराने वीडियो में, आप उसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये जो मॉनिटर्स हैं ना 30,000, अगर आप ऐसे 25 तक जा रहे हो, मैं कहूँगा आप एक सॉलिड प्रोडक्ट ख़रीदो जिससे आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी मिल जाए। और ये जो BenQ का मॉनिटर है इस मामले में काफ़ी सही है। 28 इंच का आपको 4K मॉनिटर ये मिल रहा है, 4K रेजोल्यूशन का। IPS डिस्प्ले इसमें भी है और आपको 90% का DCI-P3 कलर गेमट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। और उसके हिसाब से इस मॉनिटर में नंबर ऑफ़ पोर्ट्स भी काफ़ी सही हैं, एग्जैक्टली एडिक्वेट नंबर ऑफ़ पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए। यहाँ पर HDMI 2 का सपोर्ट है, दो दो पोर्ट लगे हुए हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट लगा है और एक USB Type-C, साथ में हेडफोन जैक। बहुत ही शानदार सा एक ये मॉनिटर है और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अगर मुझे कोई एक मॉनिटर ख़रीदना हो 30,000 के प्राइस रेंज में, तो मैं BenQ का ये वाला मॉनिटर ख़रीदना पसंद करूंगा। और साथ में इसमें आपको एक रिमोट भी मिलता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, मतलब आप इसे कंट्रोल वगैरह कर सकते हो दूर से। तो ये सारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आप ऐसे ही 10, 15, 20 या 30 हज़ार में ऐसे मॉनिटर चूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट इससे भी ज़्यादा जा रहा है ना, इसे 40, 50, 60 तक एक मॉनिटर के लिए, तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। जनरली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लोग इतने ज़्यादा हाई बजट में तभी कोई मॉनिटर खरीदते हैं अगर कोई रियली प्रोफेशनल वर्क हो। कॉमन पीपल, जैसे कि आप अगर आप स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो उस केस में हो सकता है आप वैसे मॉनिटर्स ना खरीदो तो ही अच्छा है। गेमिंग मॉनिटर्स वगैरह की भी वीडियो लेके मैं आने वाला हूँ, इससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सभी मॉनिटर का लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बिजी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।